ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपने शत्रु से अपना मन चाहा बदला ले सकते हैं। अगर आप उसको इस प्रकार चोट पहुंचाना चाहते हैं कि उसको शारीरिक कष्ट इस प्रकार हो कि उसका कोई सड़क दुर्घटना हो जाए, या फिर अगर आप उसको इस प्रकार से कष्ट देना चाहते हैं कि वह इस प्रकार बेबस हो जाए कि कहीं पर भी उसको मान सम्मान, कहीं पर भी उसको इज्जत ना मिल पाए, और अगर आप उसको ऐसा करना चाहते हैं कि वह अपने घर से बाहर ही ना निकल पाए, उसको किसी इस प्रकार की बीमारी घेर ले कि उसको पलंग से उठना ही उसका मुश्किल हो जाए, तो ऐसे में आप यह उपाय अवश्य कर सकते हैं। यह उपाय नहीं कहेंगे हम, इसको कहेंगे भैरव तंत्र, क्योंकि यह एक प्रकार का भैरव तंत्र है जो केवल और केवल शत्रु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका कोई दुश्मन इस प्रकार से आपके ऊपर हावी हो चुका है कि उसको और कुछ नहीं सूझता, उसको सूझता है तो केवल आपको दुख दर्द देने, इसके अलावा वह और कुछ नहीं सोचता। अगर वह कुछ करता है तो केवल आपको दर्द देने के लिए ही करता है, आपको सताने के लिए ही करता है। और इस प्रकार के शत्रु से किस प्रकार आप छुटकारा पा सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम वही चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें अगर कोई भी जानकारी आपकी छूट जाती है तो नुकसान हमारा नहीं होगा, नुकसान आप ही का होगा। क्योंकि अगर अधूरा ज्ञान लेकर आप किसी भी उपाय, किसी भी टोटके, किसी भी तंत्र को करेंगे तो कहीं ना कहीं वह नुकसानजनक हो सकता है। तो मित्रों, ध्यान से उपाय को समझें, ध्यान से सुने, ताकि क्या क्या कैसे कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। उससे पहले एक जरूरी सूचना आप सभी मित्रों के लिए, हमारी वीडियो में दिखाया गया कोई भी सामान आप ऑनलाइन www.timeshopee.in पर जाकर आसानी से अपने घर पर मंगवा सकते हैं। चाहे वह शुक्रदंत हो, बिल्ली की जेर हो, सियार सिंगी हो, इंद्रजाल हो, भैरव कंगन हो, या अन्य कोई भी उत्पाद जिस प्रकार से आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह अपने घर बैठे अपने नाम से सिद्ध करवा कर आसानी से मंगवा सकते हैं। अन्य सभी उत्पाद जिस प्रकार से ताबीज, रुद्राक्ष, हाथ द्वारा बनाए गए भोजपत्र पर यंत्र और हवन का सामान, जोत बाती, धार्मिक किताबें और धूप और अगरबत्ती आप अपने घर बैठे हमारे द्वारा मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नज़र कर लेते हैं कि क्या क्या सामग्री आपको इसमें इस्तेमाल में आने वाली है। जिस प्रकार से यह जो सामग्रियां आप देख रहे हैं, यह एक बटुक भैरव यंत्र है। बटुक भैरव यंत्र जिस प्रकार से आप यह देख रहे हैं, हमारे हाथ द्वारा बनाया गया है। इसमें जो यंत्र आपने लेना है वह हाथ द्वारा ही अंकित यंत्र लेना है आपने, किसी भी प्रकार का कोई भी अलग से यंत्र नहीं लेना, क्योंकि इसमें भोजपत्र पर अंकित यंत्र ही चलता है जिस प्रकार से यह हाथ द्वारा बना हुआ है, और कोई यंत्र आपने इसमें नहीं लेना, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। यह यंत्र का निर्माण किस प्रकार से करना है इसकी भी एक वीडियो हमारी बनी हुई है, अन्यथा आप नज़दीकी किसी भी ब्राह्मण से भी इसका निर्माण करवा सकते हैं, परंतु इसको प्राण प्रतिष्ठ करके ही इस्तेमाल करें, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। या फिर यह यंत्र और जो सामग्री हमारे द्वारा दिखाई जा रही है, इसमें से कोई भी सामग्री अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का यंत्र आपको लेना है। यंत्र के बाद जो आप यह देख रहे हैं, इस प्रकार का यंत्र आपने बनाना है कौए के पंख से, जिस प्रकार से यह यंत्र हमने बनाया हुआ है। मित्रों, इसमें नाम की जगह किसका नाम लिखना है यह भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। फिलहाल आप इस यंत्र को देख लीजिए, जो यंत्र आपने बनाना है, इस यंत्र को आपने कागज पर ही बनाना है जिस प्रकार से यह बना हुआ है, और कौए के पंख द्वारा बनाना है जिस प्रकार का यह कौए का पंख आप हमारे हाथ में देख रहे हैं। इस प्रकार के कौए के पंख द्वारा, काली स्याही के द्वारा आपने इस यंत्र का निर्माण करना है। और यह जो आप देख रहे हैं, यह है काले रुद्राक्ष की माला। काले रुद्राक्ष की माला मित्रों भैरव तंत्र में अलग ही स्थान रखती है, क्योंकि यह भैरव तंत्र में ही इस्तेमाल में ज़्यादा लाई जाती है। अगर आप कोई भी शत्रु से संबंधित भैरव जी का टोटका कर रहे हैं तो काले रुद्राक्ष की माला उसमें अति उत्तम भूमिका निभाती है, और इसी प्रकार की संस्कारित काले रुद्राक्ष की माला आपके पास अवश्य होनी चाहिए ताकि आप इस तंत्र को कर सके। और मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है,
सभी व्यक्ति एक बार भगवान भैरव का जयकारा अवश्य वीडियो की कमेंट बॉक्स में लगाएंगे, एक बार कमेंट में अवश्य लिखेंगे जय श्री काल भैरव, जय श्री काल भैरव, जय श्री काल भैरव। भगवान भैरव आपके इस करने वाले उपाय को अवश्य सफल बनाए। तो अब जान लेते हैं मित्रों कि इस उपाय को करना किस दिन है। इस उपाय को आपने करना है रविवार के दिन, रविवार यानी संडे के दिन आपने इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपने सूर्यास्त का इंतजार करना है। सूर्यास्त चाहे कभी भी हो, अगर सर्दियों के दिन चल रहे होते हैं तो सूर्य जल्दी छिप जाता है, गर्मियों के दिन होते हैं तो सूर्य लेट में छिपता है। इसलिए जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि सूर्यास्त के समय ही आपने इस उपाय को करना है, सूर्यास्त होने के बाद में आपने इस उपाय को शुरू करना है। इसको शुरू करने के लिए आपका जो दिशा का चुनाव है वह है दक्षिण, दक्षिण की ओर मुख करके आपने विराजमान होकर इस उपाय को करना है। लाल आसन पर आपने विराजमान होना है या फिर काले कंबल का आसन इसमें ले सकते हैं, दोनों ही आसन इसमें आपके अवश्य कार्य में लाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपने एक चौमुखा दीपक जगाना है, चाहे वह सरसों के तेल का जगा लीजिए, चाहे वह तिल के तेल का जगा लीजिए। इसमें जो बाती रहेगी वह रुई की रहेगी, रुई की बाती बनाकर एक चौमुखा दीपक भगवान भैरव जी के नाम का आपने अवश्य इसमें जगाए रखना है। छोटा सा कार्य है मित्रों, ज़्यादा लंबा चौड़ा यह कार्य नहीं है, परंतु इतना शक्तिशाली कार्य है कि उसी समय से आपके शत्रु पे इसका असर होना प्रारंभ हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखकर इस उपाय को करें। तो सबसे पहले आपने प्राण प्रतिष्ठ यंत्र यानी जो बटुक भैरव यंत्र है उसको स्थान देना है। उसको स्थान देने के बाद थोड़े से पुष्प अर्पित करने हैं, पुष्प अर्पित करने के बाद उसको तिलक करना है। तिलक करने के बाद अब आपने चौमुखा दीपक जो है वह प्रज्वलित करना है। चौमुखा दीपक प्रज्वलित कर लेने के बाद आपने भगवान भैरव से यह विनती करनी है कि हे भगवान भैरव, मैं यह कार्य अपने शत्रु के लिए करने जा रहा हूँ, जिस शत्रु ने मेरा इतना अनहित किया है, जिस शत्रु की वजह से आज मैं पूर्ण तरह से बर्बाद हो चुका हूँ, उसी शत्रु के लिए मैं आज यह कार्य करने जा रहा हूँ, मेरे उस शत्रु को मृत्यु का रास्ता दिखाए। इस प्रकार से भगवान भैरव से विनती करने के बाद आपने कागज के ऊपर कौवे के पंख द्वारा, काली स्याही के द्वारा इस यंत्र का निर्माण करना है। जो यंत्र आपके समक्ष मैंने अभी दिखाया था और यह जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इस यंत्र का आपने निर्माण करना है। ध्यान रखें जो नाम है, नाम की जगह में आपने अपने शत्रु का नाम लिखना है, चाहे कुछ भी उसका नाम है, उसका नाम नरेश है, सुरेश है, कुछ भी उसका नाम है, वह आपने नाम लिखना है। अब बहुत से लोगों के यह प्रश्न बाद में आते हैं कि शत्रु एक से अनेक हैं, तो क्या हम सभी शत्रुओं का नाम इसमें लिख दें या फिर किसी एक के शत्रु के लिए ही यह करना है? तो मित्रों एक बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है कि यह कोई इस प्रकार का कार्य नहीं है कि आप दो लोगों का, पांच लोगों का, 20 लोगों का नाम लिख देंगे तो उन 20 के 20 के ऊपर यह उपाय करना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है मित्रों। आपने जो भी करना है एक एक शत्रु को अलग अलग करना है। एक शत्रु का है तो एक शत्रु का लिख सकते हैं। हाँ, इसमें यह अवश्य हो सकता है अगर वह दोनों शत्रु एक ही घर से हैं, यानी उनके माँ बाप एक ही हैं, उनका खून एक ही है, उनका रहन सहन एक ही है, तब आप उस स्थिति में दोनों का नाम, तीनों का नाम लिख सकते हैं। अगर उनके माँ बाप एक हैं, अगर उनके माँ बाप अलग अलग हैं और वह एक कोख के नहीं हैं तो आपने एक साथ नहीं करना है। इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें क्योंकि बहुत से लोगों के यह प्रश्न हमारे समक्ष बाद में अवश्य आते हैं कि शत्रु एक से अधिक है तो किस प्रकार से उनके लिए यह उपाय हम कर सकते हैं। तो आपने यंत्र बना लेने के बाद इस यंत्र को जमीन पर बिछा देना है और जो चौमुख दीपक आपने प्रज्वलित किया था उसके दीपक, उस दीपक को इस यंत्र के ऊपर रख देना है। यानी इस यंत्र को नीचे रखने के बाद अब आपने उस दीपक को इस यंत्र के ऊपर रख देना है और 11 माला का जाप करना है। इस मंत्र का, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, स्क्रीन पर भी दर्शाया जाएगा और आप भी ध्यान से समझिए। ओम बटुक भैरवाय हुम फट, ओम बटुक भैरवाय हुम फट, ओम बटुक भैरवाय हुम फट। इस प्रकार से आपने 11 माला का जाप करना है। 11 माला का जाप कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, ध्यान रखें मित्रों, बीच बीच में आप इस बात का भी ध्यान देते रहें
कि वह दीपक अस्त ना होने पाए, वह दीपक बुझने ना पाए। थोड़ा सा ज़्यादा तेल अपने पास रख के बैठिए। तेल जब भी कम होने लगे, दो माला, तीन माला, चार माला के बाद आप थोड़ा सा तेल उसमें डाल दें, दीपक अस्त ना होने दें, उस दीपक को जलते रहने दें। और जब आपकी 11 माला पूर्ण हो जाए तब आपने उस यंत्र को वहाँ से निकाल लेना है। उस यंत्र को निकाल लेने के बाद नज़दीकी कहीं पर भी, अगर आप शमशान के पास दबा सकते हैं तो शमशान के पास दबा दीजिए, अगर शमशान के पास नहीं दबा सकते तो कहीं पे भी ऐसे सुनसान जगह पर जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा करके, या फिर अगर आप नज़दीकी कहीं मंदिर में जाना चाहते हैं इस कार्य के लिए, तो नज़दीकी कहीं ऐसे मंदिर में जाएं जहाँ पर नीम का या बड़ का वृक्ष हो। यह दोनों वृक्ष के समक्ष भी आप इसको दबा सकते हैं। ध्यान रखें, नीम का या बड़ का वृक्ष, इन दोनों के वृक्ष के समक्ष भी आप इसको अवश्य दबा सकते हैं। आपकी मंशा सही होनी चाहिए, किसी गलत के लिए यह कार्य ना करें। वाक्य में ही आपका शत्रु है, आप उसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर बस जाकर उस यंत्र को दबा सकते हैं। उस यंत्र को दबा दीजिए और घर वापस लौट आइए, पीछे मुड़ के ना देखिए। दीपक जब भी अस्त हो जाए मित्रों रात्रि में, उस दीपक को एक अलग स्थान पर रख दीजिए, अगले दिन उसको जल प्रवाह कर दीजिए, यानी सोमवार के दिन उसको जल प्रवाह कर दे, या फिर नज़दीकी कहीं पीपल वृक्ष के पास उस दीपक को भी छोड़ आए। बाकी के जो यंत्र और जो माला है वह रोज़ाना पूजा के स्थान पर भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आप बटुक भैरव की साधना करना चाहते हैं या बटुक भैरव की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो उसमें इस्तेमाल में भी इस यंत्र को, इस माला को आप अवश्य ले जा सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।